देखिए, मैं अश्विनी खजूरिया हूँ। मैं एक्स काउंसलर हूँ और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्स मेंबर भी हूँ। एक्स वर्किंग प्रेजिडेंट भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में मैं रहा हूँ। लगभग 32 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, जो हाल ही में मैंने 2.5-3 महीने पहले जो है छोड़ी थी। आज हमें इस बात की बेहद खुशी है कि जो मैंने 3 महीने फैसला किया था, आज पूरी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ने, मेजॉरिटी कांग्रेस ने वो फैसला जो है वो किया। आज आजाद साहब के ने भी और आजाद के साहब के साथ पूरी काबीना लगभग जो है वो शामिल हो गई। तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं फैसला जो है उस वक्त ठीक था। आम आदमी पार्टी में जाना इसलिए था क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होकर हम लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो हमें भी ठीक लगा कि जिस तरीके से दिल्ली का मॉडल ये पेश करते हैं या पंजाब का करते हैं, तो उस तरीके से हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और हमने उनको अपनाया। और हमने उसमें भी हमने अच्छे तरीके से लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से आज़ाद जो पिछले 3-4 दिन में जो जम्मू कश्मीर की सियासत में जो भूचाल मचा है, जिस तरीके से आज़ाद साहब के आने के बाद जो एक पलायन जो पूरा का पूरा जो आज़ाद साहब की तरफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने आज़ाद साहब के साथ बड़े करीबी तरीके से जो है काम किया था। क्योंकि जब वो भारत सरकार में, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनाया था। उसके बनने के बाद मैंने इस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 1,000 बच्चे पढ़ने के लिए भारी कॉलेजेस में भेजे, जिसमें इंजीनियरिंग थी, मेडिकल था, डेंटल था, फार्मेसी था। तो यही सियासत का तो मतलब यही है ना। सियासत का मतलब है कि जब आपको कोई ओहदा या एक कुर्सी मिलती है, तो आप उस कुर्सी को लेके लोगों को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। यही सियासत का असली धर्म है कि लोगों की आपने सेवा कैसे करनी है। कुर्सी लेने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी लेके आपने अपने घर भरने हैं, अपने परिवार को पालना है, लोगों की तरक्की करनी है। तो लिहाजा आज हमें एक बड़ी होप नज़र आई आज़ाद साहब में, और हमारी बातचीत भी आज़ाद साहब के साथ हुई। और हम चाहते हैं कि एक होप ये नज़र आए कि जिस तरीके से आज़ाद साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए इस जम्मू कश्मीर में जो काम किए हैं, ट्रिपल शिफ्ट का जो वर्क कल्चर लाया था, आपने देखा होगा उन्होंने हज हाउस बनाया कश्मीर में, जम्मू में उन्होंने यात्री निवास बनाया, एम्स बनाए, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए, हमारी रियासत में डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, नियाबतें बनाई, तहसील हेडक्वार्टर बनाए, क्या क्या नहीं उन्होंने किया। लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग परेशान हैं, आज महिलाएं देख लो, गरीब आदमी देख लो, महंगाई से परेशान है, युवा देख लो, रोजगार की कमी है, रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। आज लगभग हम जो जिम्मेवार कम से कम 50 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें 50 लोगों में हमारे साथ काउंसलर हैं प्रीति खजूरिया, उन्होंने समर्थन अपना पेश किया आज़ाद साहब को। वो महिला कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी के साथ किया। ऐसे ही इंटेक के हमारे एक्स जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारे साथ जो है ज्वाइन किया। ऐसे ही व्यापार मंडल के कुछ लोग जो जो हमारा ये नीचे राउंड मिल का एरिया पड़ता है, व्यापार मंडल के लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, उन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। ऐसे ही आप हम क्या कह लीजिए, जैसे आप ये कहते हैं हॉर्स ट्रेड यूनियन जो के लोग जो हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। इस तरीके के कई जिम्मेवार ऐसे लोग हैं, लगभग 50 ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कम से कम भी लगाओ तो एक आदमी के साथ अगर 100 आदमी भी है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की मैं आपको एक बात बता दूं, गुलाम नबी आज़ाद एक अनथक आदमी है। 70 साल के हम उनके फ़ैन किस लिए हैं? कोई उनकी उनकी खूबसूरती से हम उनके फ़ैन नहीं हैं। हम उनके वर्क कल्चर, उनके काम करने की कला, उन लोगों के प्रति जो उनका प्यार है, जो वो कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है, हम उसके फैन हैं। इसलिए जो मैं ये आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप देख लेना कि आने वाले 6 महीने में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाने का फैसला किया है, ना तो वो खुद सोएंगे, ना वो वर्कर जो होगा लीडर होंगे, लीडरों के जो जिन लीडरों को शायद आदत पड़ी हुई थी एसी में रहने की और एसी से काम करने की, उनको मतलब उनको घर से निकलना पड़ेगा और वो दौड़ाएंगे, घोड़े की तरह दौड़ाएंगे सबको, तो वो जंग जरूर जीतेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी के साथ, नेचुरली पॉलिटिकल सिस्टम में हर पार्टी के साथ मुकाबला होता है, क्योंकि जब बंदा जंग में जाता है तो छोटी से छोटी चीज़ को भी जो है वो उसको अपने मुकाबले में लेके जो है लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं।